डियर स्टूडेंट एंड माय डियर व्यूअर, मैं लक्ष्य एकेडमी का डायरेक्टर वी कुमार एक बार फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। हमारे इंस्टीट्यूशन में इवनिंग बैच में जो टेस्ट हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर को लेकर, इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 200 क्वेश्चन थे जिसमें 50 रीजनिंग, 50 मैथ्स, 50 जीएस और 50 मिसलेनियस क्वेश्चन। तो 50 जो जीएस के क्वेश्चन थे उसको मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। इससे यह फ़ायदा होगा कि जो स्टूडेंट कहीं किसी इंस्टीट्यूशन में तैयारी नहीं करते हैं या तैयारी करते हैं, दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट को कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आप देखिएगा कि इस तरह का क्वेश्चन लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है, तो खूब बढ़िया से आप इसको कॉपी पर नोट डाउन कर लेंगे और इसको याद कर लेंगे। और आप जहाँ भी पढ़ते हो या खुद से पढ़ते हो या इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हो, तो जिस किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो आप उसको अपने इंस्टीट्यूशन में डिस्कस कर लेंगे। और आप अगर कहीं पढ़ाई नहीं करते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन होगा वहाँ पर कमेंट कर देंगे कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो मैं आपको वो क्वेश्चन समझाने का पूरा प्रयास करूँगा और समझा दूँगा। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। शुद्ध जल जो है वह विद्युत का कुचालक होता है क्योंकि, तो आपका जवाब होगा स्वल्प आयनित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला NCL कहाँ स्थित है? आपका जवाब होगा पुणे में। विद्युत लेपन के लिए सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले धातुएं हैं क्रोमियम, कॉपर और निकल। निम्नलिखित में से किस ऑटोमोबाइल के रेचन से कैंसर हो सकता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर अधिक मात्रा में मानव शरीर के अंदर चला जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड के आसपास का क्षेत्र में अगर हम लोग रहते हैं तो कैंसर होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। पेयजल में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो आपका जवाब होगा रोगानुनाशी, यानी पेयजल जो पीने का पानी होता है उसमें क्लोरीन इसलिए डाला जाता है क्योंकि पीने का पानी साफ हो जाए। गामा किरणों की अधिकतम साम्यता किसके साथ होती है? आपका जवाब होगा एक्स किरणों के साथ। ओजोन परत के न होने पर वायुमंडल में कौन सी किरणें धरती तक आ जाएगी? आपका जवाब होगा पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज। कंप्यूटर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रोग्राम और डाटा कहाँ उपलब्ध होते हैं? आपका जवाब होगा स्टोरेज में। संज्ञाहारी के रूप में क्लोरोफॉर्म का आविष्कार किसने किया था? आपका जवाब होगा जेम्स सिम्पसन ने। क्लोरोफॉर्म बहुत सारे काम में आता है, जैसे डॉक्टर वगैरह भी क्लोरोफॉर्म का यूज करते हैं, जैसे शरीर को सुन करने के लिए ऑपरेशन के दौरान यूज किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि क्लोरोफॉर्म का आविष्कारक कौन है? आपका जवाब होगा जेम्स सिम्पसन। कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जाती है? जवाब होगा संविधान की धारा 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का एक नृत्य नाटक कुचिपुड़ी है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? तो आपका जवाब होगा आंध्र प्रदेश का। और डांस लोक नृत्य से जुड़ा हुआ मेरा पुराना वीडियो में आप देखेंगे, उसमें सारा का सारा डांस के बारे में क्लियर कर दिए हैं। तो कौन सा डांस कहाँ होगा ट्रिक्स के माध्यम से है, खूब बढ़िया से तुरंत याद हो जाएगा, आप उस वीडियो को देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने यह घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? जैसे आप देखते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल भारत बंद या आपके जिला में जिला बंद, ये सब का जो आयोजन होता है, तो सबसे पहले केरल उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया था कि बंद असंवैधानिक है और बंद करने वालों पर कार्रवाई की जा सकती है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था, कब हुआ था? तो आपका जवाब होगा 1972 में। निम्नलिखित में से कौन सा असम का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो रोंगाली बिहू असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। भारत में न्यूनतम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो आपका जवाब होगा सिक्किम। मुद्रा के रूप में अभिव्यक्ति किसी वस्तु का मूल्य क्या कहलाता है? आपका जवाब होगा कीमत। फिर से इस क्वेश्चन को सुनेंगे, ये इकोनॉमिक का क्वेश्चन है।
मुद्रा के रूप में अभिव्यक्ति किसी वस्तु का मूल्य क्या कहलाता है? आपका जवाब होगा कीमत। भारत का योजना आयोग किस वर्ष से स्थापित हुआ था? 1950, जो कि अब वर्तमान में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। हरित क्रांति किस वर्ष आरंभ हुआ था? आपका जवाब होगा 1960। वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आपका जवाब होगा 5 वर्ष। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1949। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो आपका जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो आपका जवाब होगा 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन, महत्वपूर्ण विधान पर जनता की राय जानने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो आपका जवाब होगा जनमत संग्रह। हमारे संविधान की व्याख्या के लिए अंतिम प्राधिकारी कौन होता है? तो संविधान का व्याख्या में जब भी दिक्कत होता है तो उच्चतम न्यायालय संविधान की व्याख्या पर जो आदेश देगा या वो जो व्याख्या करेगा वही हम लोग को सर्वमान्य होगा, संविधान की व्याख्या है ना। अगला क्वेश्चन, समाज की तुलना में राज्य क्रियाशील की परिधि है, यह ऑप्शन में 4 ऑप्शन है, अधिक व्यापक, संकीर्ण, बराबर और दोनों के बीच कोई तुलना नहीं की जा सकती, तो इसका जवाब होगा अधिक व्यापक है। सेल्यूकस निकेटर किसके द्वारा पराजित किया गया था? आपका जवाब होगा चंद्रगुप्त मौर्य। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो सबसे अधिक विशेषता यह थी कि वह नगरीय सभ्यता थी, वहाँ के व्यक्तियों का जीवन जो जीने का तरीका था वह बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा को समाप्त करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? आपका जवाब होगा विलियम बेंटिंक। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के राज घराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत कौन थे? आपका जवाब होगा आंसर में मीराबाई। सिकंदर के मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया था? आपका जवाब होगा सेल्यूकस निकेटर। थार एक्सप्रेस कहाँ जाती है? आपका जवाब होगा पाकिस्तान। औद्योगिक अल्कोहल के निर्माण के लिए प्रयुक्त उत्पाद क्या है? तो जवाब होगा सीरा। गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसा है? आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आपका जवाब होगा क्लोरोफिल। सर्वग्राही रुधिर किस वर्ग का होता है? तो जवाब होगा AB ब्लड ग्रुप। मानवों के शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो 98.4 डिग्री फारेनहाइट। कोलंबिया लीवा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो कपोत का। अस्थियां किसमें वातिल होती है? आपका जवाब होगा आंसर होगा पक्षियों में। सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया का नाम क्या है? तो नाभिकीय संलयन। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे फ्यूजन और फिजन जो आप पढ़े होंगे वही नाभिकीय संलयन। स्टील से बनी गोलाकार गेंद को मरकरी के पात्र में डालने पर वह आंसर होगा अंततः मरकरी में निर्मजित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनियों को क्या कहते हैं? श्रव्य ध्वनि। आपको पता होगा, छोटे क्लासों में आप पढ़े होंगे 8, 9, 10th में, कि हम लोग कितने डेसिबेल तक की ध्वनि को सुन सकते हैं। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक अगर कोई साउंड निकलता है या बोला जाता है या लाउडस्पीकर में बजाया जाता है हम लोग उसी को साफ सुन सकते हैं, अन्यथा 20 हर्ट्ज से कम में हम लोग नहीं सुन सकेंगे और 20,000 के हर्ट्ज के ऊपर भी हम लोग नहीं सुन सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहण किस प्रकाशीय परिघटना के कारण लगती है? तो आपका जवाब होगा ऋजु रेखीय संचरण के कारण। तो ये 50 क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसको कॉपी पर नोट डाउन कर लेंगे और ये लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं हाजिर होऊंगा, तब तक यदि आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आकर उसको पूछ सकते हैं और आप इसको कॉपी पर लिख लेंगे, खूब बढ़िया से याद कर लेंगे।
हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। हमारे चैनल का नाम वी कुमार लक्ष्य एकेडमी रांची, क्लियर। जिससे कि वैसे स्टूडेंट आप इसको शेयर कर देंगे, इससे फ़ायदा ये होगा कि वैसे स्टूडेंट जो कि कहीं तैयारी नहीं करते हैं उनको भी लाभ हो जाएगा। थैंक यू।